उत्तरशाला क्षेत्र के श्री देववीर नाथ हलगढ़ के पुजारी खीमे राम ने बताया कि बाबा का मंदिर पराशर क्षेत्र से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। श्री देववीर नाथ हलगढ़ एक बाबा के रूप में संसारिक सृष्टि में आए हैं। बाबा के रूप से खंडन होकर 9 भाई बने। बाबा हर प्रकार की बीमारी को अपने चमत्कारी शक्तियों से हारते हैं। पुजारी ने बताया कि दिल्ली चंडीगढ़ सहित अन्य दूर दूर के क्षेत्रों से लोग बाबा के दर बीमारी का इलाज करवाने पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि श्रीदेव पराशर ऋषि के साथ श्रीदेव वीरनाथ का दरबार बना हुआ है और पराशर ऋषि के पंख के साथ माधव राय के साथ शिवरात्रि जलेब में चलते हैं। मैं खीमे राम पुजारी देव वीरनाथ सूर्यगढ़ हलगढ़ का। ये बाबा जी जो हैं ये पराशर से पीछे इनका मंदिर है 9 किलोमीटर। ये बाबा रूप हैं, बाबा रूप से संसारिक सृष्टि में आए हैं। इनके रूप में से ये अलग अलग खंडन होकर के ये 9 भाई बने हैं। ये बीमारी इत्यादि के लिए बहुत चमत्कारिक रहते हैं। जिसको किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसमें उस बीमारी को ये अपनी ही भस्म कर देती है, अपने स्वास से ही, राख से ही। और शिवरात्रि मेले में बाबा जी पुरातन काल से ही आते हैं, कई सालों से आते हैं। शिवरात्रि महोत्सव में कितने वर्षों से आ रहे हैं? 100 सालों के लगभग पहले से ही आते हैं बाबा जी यहाँ। माधव राय की जलेब में भी चलते, मतलब पराशर ऋषि के साथ इसकी जलेब है। पराशर में मेला होता है, पराशर ऋषि के साथ ही इसका दरबार बना हुआ है। शर्तें क्या रहती हैं जो बाबा जी को नियम बनाए हुए हैं? बाबा जी के कोई ऐसे नियम नहीं है। इसके साथ जो है किसी प्रकार के मतलब दुष्भाव कोई चीज इसके साथ नहीं जानी चाहिए। मतलब ऐसा ही है, जैसा बाबा जी जिस कार्य के साथ बाबा जी लोगों का इलाज करता है ये इसकी कृपा है, हमें पता नहीं है। जैसे कई प्रकार की नाना प्रकार की बीमारी चंडीगढ़ से भी ठीक नहीं होती है, बाबा जी अपनी धूल से ही मतलब स्वास से ही उसको ठीक कर देते हैं। शिवरात्रि के अलावा किसी और जगह जैसे मेले? हाँ, शिवरात्रि के अलावा कटौड़ा में सानू मेला होता है। पराशर में 3 मेले होते हैं, सरनावली, काशी पंचमी, नाग पंचमी, और हमारी तिथि शहरी मेला होती है, बिरशु होता है। और ऐसे जहाँ जहाँ बाबा जी का मतलब 10-15 साल के बाद इसका एक बांठड़ा पड़ता है जिसको हम हरण कहते हैं, वो गाँव गाँव में जाता है, वो साधु रूप का उस टाइम भी वरदान देते हैं जैसे किसी के औलाद नहीं होती है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से अजय रांगड़ा की रिपोर्ट।